हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के बारे में। ये स्टॉक आज बहुत ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्रेजेंटली ये स्टॉक ऑलमोस्ट 6.5% ऊपर है एंड इनका प्रेजेंट प्राइस जो है वो 2266 है, यानी 2266। एक ही दिन में स्टॉक ने मोर देन 6% का रिटर्न दिया है। अब इस पर्टिकुलर स्टॉक का हम फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे एंड आगे जाकर आपको ये बताएंगे कि एट दैट मोमेंट ये स्टॉक आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक के ओवरव्यू के बारे में। नाउ दीपक नाइट्राइट एक ऐसा स्टॉक है, अगर ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन एंड मोमेंटम तीन पैरामीटर को स्टॉक में देखें तो ड्यूरेबिलिटी वाइज 90 out of 100 है, यानी हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। वैल्यूएशन वाइज ये थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है जिसलिए इसको 21.7 out of 100 में, लेकिन मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, आउट ऑफ 165.8 इसका टेक्निकल, मॉडरेटरी बुलिश है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी में मार्केट कैप देखिए 30,910 crore है, स्टॉक का पी 31.6 है एंड अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें वो भी 33.1 है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को हम डिटेल्स में देखें सो टेक्निकली स्टॉक के जो भी इंडेक्सेस है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है MFI इंडेक्स, यानी मनी फ्लो इंडेक्स एंड RSI इंडेक्स, जिसे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स कहते हैं। दोनों पैरामीटर्स को अगर हम देखें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में इसका कोर है 61.1। नाउ बिलो 30 इज ओवरसोल्ड एंड बिलो अबव 70 इज ओवरबॉट। ये 61 है यानी अभी भी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। नाउ अगर मनी फ्लो इंडेक्स को देखें तो उसका स्कोर है 49, यहाँ पे भी बिलो 30 इज ओवरसोल्ड, बिलो एंड अबव 70 इज ओवरबॉट। सो अकॉर्डिंग टू मनी फ्लो इंडेक्स एंड RSI इंडेक्स, जो कि स्टॉक मार्केट के बहुत ही दो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, दोनों में ही ये स्टॉक अच्छा स्कोर कर रहा है, यानी ओवरसोल्ड तो नहीं है लेकिन ओवरबॉट भी नहीं है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को देखें तो इसने अपने सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस था 2230 उसको भी स्टॉक ने आज ब्रेक कर दिया है, ऐसा हम देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक आज मोर देन 130 rupees एक ही दिन में बढ़ गया है। नाउ इसका जो पहला रेजिस्टेंस था यानी 2153-2175 ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। सो अगर आपका बाइंग रेंज इसके ऊपर है सो आप डेफिनेटली इन तीनों रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सबसे क्लोज स्टॉप लॉस आता है 2213, देन आता है 2175 एंड 2153, थोड़ा दूर है, लेकिन अगर आपका ट्रेडिंग का नज़रिया वन वीक वन मंथ है सो आपको इस पर्टिकुलर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना ही पड़ेगा। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दोनों पैरामीटर्स में भी स्टॉक अच्छा स्कोर करता है। इसने अपने 20-day, 50-day, 100 एंड 200-day जो सिंपल एवरेज है एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको बीट किया है। 20-day सिंपल एवरेज 2107 था एंड एक्सपोनेंशियल एवरेज 2080 था, स्टॉक 2260 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी इन दिस पर्टिकुलर सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल। अगर कोई स्टॉक अपने 50-day, 100-day या फिर 200-day मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है तो उसमें बेयरिश शाइन आता है, लेकिन अगर कोई स्टॉक अपने मूविंग एवरेज को डे बाई डे बीट करता जाए तो उसमें डेफिनेटली एक बुलिश पैटर्न बन जाता है। नाउ अब अगर इस पर्टिकुलर शेयर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखें, एवरेज ब्रोकर जो टारगेट है वो था 1857, स्टॉक 18% ऊपर चला गया है, यानी प्रेजेंट जो प्राइस है उससे भी 18% नीचे का ब्रोकरेज का टारगेट। तो ब्रोकरेज का टारगेट एक्चुअली बहुत ही जल्दी स्टॉक ने यूटिलाइज कर लिया है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के फंडामेंटल चीज़ों को हम और ज़रा इम्पॉर्टेंटली देखें सो टोटल स्टॉक का जो रिटर्न है वन वीक में 8%, वन मंथ में 18.9%, थ्री मंथ में 28.6%, सिक्स मंथ में 65% एंड वन ईयर में 197% का रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने दिया है, जो कि इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, पुमरस के पास 45.7% है, पब्लिक होल्डिंग 32.5 इज़ वेरी गुड, FII के पास 11.4, म्यूचुअल फंड 8.3 एंड अदर इंस्टीट्यूशन के पास 2.1% का स्टेक है। नाउ अगर कंपनी के पीयर्स के साथ हम देखें सो पीडीलाइट इज नंबर 1, आरती इंडस्ट्रीज नंबर 2 एंड दीपक नाइट्राइट इज नंबर 3, बट वैल्यूएशन वाइज जितने भी कंपनी है सबसे चीप वैल्यूएशन है दीपक नाइट्राइट। टुडेज पी इज मोर देन 30, बट अगर आप सारे कंपनीज का पी देखें तो सबसे अट्रैक्टिव यही है। हालांकि
ये स्टॉक का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो नियर अबाउट 40 है। इन दैट कैटेगरी एल्केम एमाइंस का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी सारे स्पेशलिटी केमिकल में सबसे सस्ता है, इसलिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में नॉट ओनली अभी बाइंग हो रहा है, आगे जाने टाइम भी अगर ये 3000 तक भी चला गया बहुत शॉर्ट टर्म में तो इसमें भी कोई शॉकिंग फैक्टर नहीं है। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट को भी देखें, यानी अगर हम इसके कंसोलिडेट फिगर को देखें तो जून का रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, सेल्स 1526 जो कि मार्च से बेहतर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़े घटे नियर अबाउट 3 करोड़ 452 अगेंस्ट 455 क्योंकि इनके एक्सपेंसेस थोड़ा बड़ा है। नाउ प्रॉफिट बिफोर टैक्स 405 करोड़ अगेंस्ट 390, नेट प्रॉफिट 303 करोड़ अगेंस्ट 290 करोड़। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम कंपाउंडिंग सेल्स को देखें 5 ईयर्स में 26%, 3 ईयर्स में 38%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 5 ईयर्स में 65%, 3 ईयर्स में 111%, स्टॉक का सीएजीआर प्राइस ग्रोथ जो है वो काबिले तारीफ है, 10 ईयर्स में 60%, 5 ईयर्स में 80%, 3 ईयर्स में 101% एंड 1 ईयर में 185%। रिटर्न ऑन इक्विटी भी स्टॉक का अच्छा है, 30-40% के बीच। ये था दीपक नाइट्राइट को लेकर एक एनालिसिस। अकॉर्डिंग टू माय पैरामीटर ये स्टॉक ओवरबॉट तो नहीं है एंड इस पर्टिकुलर स्टॉक आगे जाके 3000 तक भी मूव कर सकता है। वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, रिजल्ट अच्छे हैं एंड जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स है उसमें कहीं पे भी ये स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। सो इस स्टॉक पे भाई इस रेंज पे भी बाई कर सकते हो। ध्यान पे रखिएगा जितने भी रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेक किया है वो आपके नेक्स्ट स्टॉप लॉस है, यानी सबसे नज़दीकी स्टॉक लॉस 2213 है। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हो सो इसके भी नीचे का भी स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।